हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक पटेल और आज की वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ कि आखिर फिल्म वाइज और ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन में क्या डिफरेंस है। अगर हम इन दोनों को डिफरेंस समझना चाहते हैं तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि कंडेंसेशन क्या होता है, ठीक है। तो एक मैं बेहतरीन सा रियल लाइफ एग्जाम्पल लूंगा, वहां से आपको चीज़ समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगी। फिर उसके बाद मैंने लिख रखा है, आपको मैं एक एक स्टेप, एक एक जितने भी डिफरेंसेस सबको समझाने वाला हूँ, तो आप टेंशन मत लीजिए। क्योंकि मैंने पहले से इसलिए लिख रखा है कि बाद में लिखता हूँ तो वहाँ पे टाइम ज़्यादा यहाँ पे वेस्ट होता है, ठीक है, ख़राब हो जाता है। चलिए, फिल्म वाइज कंडेंसेशन में यानी कंडेंसेशन और ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन में यानी कंडेंसेशन ही क्या होता है, ठीक है। तो मैं एक सिंपल सी भाषा में कहूँ, ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हमें लिक्विड के थ्रू ठंडा करना पड़े। जैसे मैं आपसे बात करूँ, लिक्विड के थ्रू ठंडा करना मतलब कि देखें, यहाँ पे एक मैं आपको बेहतरीन सा एग्जांपल देता हूँ। जब आप गाड़ी चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं या बाइक चलाते हैं और आप धूप में ले जाके खड़ा कर देते हैं, तो क्या होता है, सीट बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। बट अगर ये चीज़ तो आपने फेस करी होगी, देखिए आप जितने लोग वीडियो देख रहे हैं कहीं ना कभी फेस किया हो। आप ले जाते हैं उसमें बॉटल से या फिर किसी भी चीज़ से आप उसमें पानी डालते हैं सीट में कि ठंडी हो जाए, तो मैं दोबारा वो गाड़ी को चला लूँ, नहीं तो बहुत गर्म है भाई वो। तो वही चीज़ क्या है, किसी भी चीज़ में से मैं क्या कर रहा हूँ, हीट को निकाल रहा हूँ, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, किसके थ्रू, लिक्विड के थ्रू। तो ऐसी प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन। अब दो तरीके से हम कर सकते हैं कंडेंसेशन, एक फिल्म वाइज कंडेंसेशन, एक ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन। क्यों? क्योंकि आप इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं यार, उनको ठंडा कर रखना पड़ता है क्योंकि वो कंटिन्यूस वर्क करते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पे हम दो तरीके से कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पे फिल्म वाइज कंडेंसेशन की। तो यहाँ पे जो लिक्विड होता है डिपॉजिट होता है किसमें, फिल्म के फॉर्म में। एक चीज़ बता दूं आपको, फिल्म का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं आपसे कहूं कि रोटी को पैक करते हैं, सिल्वर पेपर में आपने पैक किया या फिर पेपर के अंदर आपने इसको पैक किया, तो क्या कर रहे हैं, रोटियों को आप एक कवरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, एक फिल्म। फिल्म मतलब होता है एक बहुत ही पतली सी फिल्म, यानी कि एक बहुत पतली लेयर। जैसे कि मेरी ये मशीन है, ठीक है, मेरी ये मशीन है, जैसे कि मैं आपसे बात करूँ, ये मशीन का एक कोई सा पार्ट है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, फिल्म वाइज कंडेंसेशन चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर फिल्म बना दूंगा। किसकी फिल्म मतलब क्या होता है कि ये एक पतली सी एक लिक्विड की लेयर बन जाएगी, और ये क्या करेगी लिक्विड की लेयर की, इस हीट वाले, इसमें हीट होगी, मशीन है तो ये एब्जॉर्व कर लेगी कौन सी लेयर, लिक्विड की लेयर, लेयर बन के। और ठीक इसमें क्या होगा कि यही मशीन का एक कंपोनेंट है, इसमें ड्रॉप बनती है, ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन में ड्रॉप्स रहती हैं, तो ये ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन कहलाता है। इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ फिल्म रहती है यानी कि एक पतली सी लेयर होती है, और यहाँ पे ड्रॉप। एक रियल लाइफ एग्जांपल दिखाता हूँ, मैंने जैसे ये रखा है, मैं अपने हाथ के ऊपर ये स्प्रे कर रहा हूँ, तो आप ये देख रहे हैं ड्रॉप बन रही है, तो ये ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन का एग्जाम्पल। और इसी को मैंने ऐसे कर दिया, अब देखिए मेरे हाथ के ऊपर एक लेयर बन गई है लिक्विड की, पतली सी फिल्म बन गई है वाटर की। तो यही चीज़ क्या कहलाती है यहाँ पे, फिल्म वाइज और ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन, रियल लाइफ एग्जांपल के साथ, ठीक है। दूसरी चीज़ ये क्या है, देखो अब मैंने इसको रफ कर दिया, तो इसने क्या किया कि मेरे हाथ को गीला कर दिया। तो ये क्या करता है, जो यहाँ पे कंडेंसेट मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो लिक्विड है वो सरफेस को गीला कर देता है, वहीं पे ये सरफेस को गीला नहीं करता। क्यों? क्योंकि बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है। आप शादी में गए, वो पंखा चलता रहता है, वो थोड़े छोटी छोटी बूंदे फेंकता है पानी की, तो उसका जो पानी हमें ठंडा ठंडा लगता है, तो वो हम ऐसा थोड़ी नहीं कि हमें गीला कर देता है, वो तो बहुत जल्दी एवोपरेट हो जाता है बहुत जल्दी। तो मशीनों में तो इतनी हीट होती है कि वहाँ जैसे ही वो गिरता है ड्रॉपलेट्स, वो फट से उड़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे गीला नहीं करता किसी भी मशीन को या किसी भी चीज़ को। तीसरी चीज़, द हीट ट्रांसफर रेट इज़ लो। अब देखना यहाँ पर हीट ट्रांसफर रेट 10 गुना ज़्यादा होता है फिल्म वाइज के। क्यों? क्योंकि देखिए मैं आपसे बताऊं, यहाँ पे ड्रॉप है, छोटी छोटी ड्रॉप आती हैं, वो जल्दी से हीट को एब्जॉर्ब करके और अपने आप को एवोपरेट कर देती हैं, और जल्दी 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 एवोपरेट होती जाती है। बट यहाँ पे क्या होता है कि एक पतली सी लेयर बन गई हाथ के ऊपर, जैसे मैं कहीं पे भी एक पतली सी लेयर बन गई, तो इसको एवोपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मतलब इसका एवोपरेशन थोड़ा सा धीरे होता है, ठीक है। ईवापोरेशन, ईवापोरेशन मतलब कि लिक्विड जो है वो यहाँ पर गैस में थोड़ा धीरे बनता है क्योंकि फिल्म बन गई है। फिल्म मतलब कि अब आप बताओ कि ड्रॉप, बहुत छोटी छोटी ड्रॉप्स, और एक में यहाँ पे एक वाटर की लेयर बना दूँ तो क्या होगा, इस केस में ये ज़्यादा ही टाइम लेगी। सिंपल सी बात है, ये ज़्यादा ही टाइम लेगी एवोपरेट होने में। सो इसलिए यहाँ पे जो कंडेंसेशन है वो धीरे होता है किसमें, फिल्म वाइज में, और यहाँ पे ड्रॉप वाइज में तेज होता है। चलिए तीन डिफरेंस हो, चौथे, इट अकर ऑन लेस पॉलिश एंड अनकॉन्टामिनेटेड सर्फेस। अब इसका मतलब देखिए समझना, ये मैंने ग्लास ले रखा है, ये कांच ले रखा है,
तो ये वाला जो है फिल्म वाइज कंडेंसेशन क्या होता है कि ये कहाँ पर अकर होता है, जो कि अनपॉलिश्ड और यहाँ पर क्या होती है अनकंटामिनेटेड सरफेस होती हैं, मतलब कि मैं कहना चाहूँगा रफ सरफेस पे, ये वाला जो है इस पे ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन होगा। ये देखिए ये ड्रॉप बन गई, ये दिख रहा है आप लोगों को ड्रॉप, तो ये इसका एग्जाम्पल है। इट अकर ऑन हाईली पॉलिश्ड मिरर, बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड सर्फेस है, मिरर बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड सरफेस है, इसलिए यही अकर होता है ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन पॉलिश्ड सरफेस पे। और फिल्म वाइज कंडेंसेशन कहाँ अकर होता है, जहाँ पे सरफेस थोड़ी सी रफ़ होती है, जैसे मशीन कंपोनेंट में मेनली बड़ी बड़ी जो मशीनें होती हैं वो रफ़ ही होती हैं यार, उनको इतना मेंटेनेंस नहीं किया जा सकता कि बिल्कुल क्लीन और बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे क्या हो साफ़ सुथरी और पॉलिश हो। तो वहाँ पे हम यही वाला मेनली यूज़ करते हैं। फिल्म वाइज कंडेंसेशन में भले ही यहाँ पे हीट ट्रांसफर रेट कम होता है, बट हम ये मेनली यही वाला यूज़ करते हैं फिल्म वाइज कंडेंसेशन, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी मशीनों को हम पॉलिश करने जाएंगे तो मशीन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी और वहाँ पे हम ये चीज़ एफर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं द साइज ऑफ इक्विपमेंट इज लार्ज, जो ही मैंने कहा कि बहुत बड़ी बड़ी मशीनों के लिए होता है फिल्म वाइज कंडेंसेशन, इसलिए हम इसकी सरफेस को पॉलिश भी नहीं रख पाते ज़्यादा और अनकंटामिनेटेड, मतलब कि जैसे कि ये सरफेस है तो अभी तो आपको ये दिख रही है अच्छी, लेकिन आप इसके बहुत ही डीप जाएंगे तो ये इस तरीके की होगी, थोड़ी ऊपर नीचे थोड़ी ऊपर नीचे, तो इस तरीके की सरफेस यानी अनकंटामिनेटेड सरफेस का मतलब ये होता है। और ये द साइज ऑफ इक्विपमेंट इज स्मॉल, ये स्मॉल स्मॉल इक्विपमेंट्स के लिए ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन होता है। चलिए रेट ऑफ कंडेंसेशन इज लोअर, अब सिंपल सी बात है कि अगर हीट ट्रांसफर जो है वो कम है तो कंडेंसेशन का रेट भी तो कम होगा ना, यहाँ पर भी रेट ऑफ कंडेंसेशन इज हाई, यानी कि जब हीट ट्रांसफर ज़्यादा है तो कंडेंसेशन का रेट भी तो ज़्यादा होगा। चलिए बात करते हैं सेवन डिफरेंस की, इट एक्ट एज इंसुलेशन बाय एडिंग एक्स्ट्रा लेयर ऑन इक्विपमेंट, मैंने यही चीज़ बताई कि ये एक इक्विपमेंट के ऊपर एक्स्ट्रा लेयर बना लेती है जो क्या कहलाती है, यहाँ पर इंसुलेशन का काम करती है। इंसुलेशन मतलब जैसे मैंने आपको कहा ना कि आपकी गर्म रोटी है, गर्म रोटी जो रहती है हमारी उसके ऊपर हम सिल्वर पेपर लगाते हैं तो वो क्या करती है उसको इंसुलेट कर लेती है, इंसुलेट करना मतलब कि उसके अंदर ही गर्मी को रोक लेती। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि ये जो एक इक्विपमेंट है हमारा और यहाँ पे एक फिल्म बन जाती है और इसी कारण ये क्या करती है इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, और यही रीज़न है कि यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र लेस होता है। ठीक है समझ गए, सब चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड है, बट यहाँ पे इट नेवर एक्ट एज इंसुलेशन, क्यों, क्योंकि छोटी छोटी ड्रॉप्स होती फटाक से इवोपरेट हो जाती है। तो यही कुछ डिफरेंस है जो कि मेनली यहाँ पर फिल्म वाइज और ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन में। वीडियो अच्छी लगी हो, डिफरेंस अच्छे लग रहे हो, डिफरेंस इजी है, चीज़ें समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक ऐसे कंटेंट के साथ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेक इजी लर्न इजी।